ये तो ना तो किसी की बेटी है, ना किसी की भतीजी, ना किसी की पोती, ये है माता की आसन माता के दरबार में पागा वाले मथुर। और सबसे पहले गोस्वामी परिवार माता के दरबार में है। जिन भक्तों ने मुझे नहीं देखा जल्दी जल्दी माता के दरबार में आए, इधर बैठो इधर बैठो सामने जिन भक्तों को माता के स्वरूप अच्छा लगे एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ सारे। माता जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी आज जो स्वामी प्रभु सच्चे दरबार की अंग्रेजों वाली माता की बोल सच्चे भैया दरबार की माता जी जाने की आपको जल्दी तो नहीं है, जाने की जल्दी तो नहीं है, मगर मेरे को जल्दी नहीं है आप बैठे आप, मगर जाने की जल्दी नहीं है क्योंकि हाथ खड़े करो जो अष्टमी वाले दिन अपने घरों में इतनी ना बिठाते हैं, कौन कौन बिठाते हैं? और क्योंकि ये मातरानी है, क्योंकि जो इनके दरबार में चले आते पिज्जा जो आपको अच्छा लगता है बता दो, जो खाने में अच्छा लगता है आपको गोलगप्पे बोलिए, गोलगप्पे खाने वाली माता की आप खड़े करो, जिसके मुंह में पानी आ रहा है उसके लाके बताओ गोलगप्पे खाई ना, अच्छा पक्की है पर गोलगप्पे तो रोगी मिल जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की माँ के प्यार की माँ शेरा वाली क्या करती है, माँ शेरा वाली ये माता क्या करती है गोलगप्पे, ये काम करो परिवार वालों को बोलो, अलवाई को बोल दो अलवे छोले तो कर दो कैंसल, सारे को बात सवेरे गोलगप्पे बनाए दो सारे खाने फिर जाएंगे दरबार की गोलगप्पे गोलगप्पे बता गई रे कि छोटी सी कन्या को मनाने हम भी आए हैं मम्मी तो पता सामने बैठी है रोटी कौन बनावेगा कपड़े कौन धोवेगा, एक बात नोट करियो जिस घर में बेटी होगी ना बेटी होगी उसकी माँ में सिर को देख ली चुन्नी जुड़ कर रखेगी, आज तो मेरा बीपी घट गया आज मेरा शुगर बढ़ गया, उसने पता है बस ढेर बड़े मांझना पड़ गया, और जब बर्तन साफ हो जाएंगे Oh,
मेरी नू बोली नू बोली तन कर दूंगी मालो माले माले ओ बढ़िया सी मेरी पुठी बनवा दो बढ़िया सी मेरी पुठी बनवा दो जारी दार के बार चढ़ा दो जारी दार के बार चढ़ा दो ओ भैया मैं ओ सुन्ने दरबार की और सुन्ने दरबार की बोली माँ के प्यार की और सुनी बैठ जाओ बैठ जाओ बोली सुन्ने दरबार की और अब आपके सामने अब आपके सामने सुंदर सी झांकी देव के देव महादेव और माँ गोरा आप सभी के बीच में आएंगे ध्यान से सुनो और चढ़ाना चाहते हैं वो 4 बजे मातृ के दरबार में नारियल लेकर आएंगे और जिन भक्तों के पास नारियल नहीं है आप उनकी मन की इच्छा के अभी मातृ के दरबार में नारियल चढ़ाएं जितने के नारियल बाजार से आता है उतनी दक्षिणा पर मोली धागा लपेट कर मातृ के दरबार में पहुंचे ध्यान से सुनो जो पगजन नहा करना चाहते वो नहा करा जाए पार्वती बोली शंकर से पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी हरी हरी भांग घोट के लिया मेरे खातर बात ऐसी है बोले ना थे कैसी ये तेरी भांग घोटनी ने मेरे बस की नहीं है जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की खोल होगी ठीक भाई शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए ना किमी खाना पीना एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए अभी तो शुरुआत हुई है अभी तो बहुत कलयुग की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बे माँ है यही माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी घर घर के अंदर माँ की पूजा होगी घर घर के अंदर माँ की पहुंचे ज्वाला जी जहां पर माँ की आज भी अखंड ज्योति बिना तेल बिना घी और बिना बाती के जल रही है ज्वाला जी पहुंचे वहां जाकर ऋषियों ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया दरवासा ऋषि को न्योता देना भूल गए क्योंकि दरवासा ऋषि बड़े क्रोधी स्वभाव के थे ध्यान नहीं रहा लेकिन दरवासा ऋषि के कानों में जब ये बात पहुंची क्रोध और ईर्ष्या भर गई मन में सोचने लगे मैं इन ऋषियों का यज्ञ कर रहे थे कहते मौका देखा उन्होंने वह मरा हुआ जहरीला सांप उस खीर के प्रसाद के अंदर डाल दिया ये सोच कर डाला कि जितने भी ऋषि मुनि इस प्रसाद को खाएंगे कैसे बचाऊं बोल मैं सकती नहीं बता मैं सकती नहीं और मेरी भाषा ये समझेंगे नहीं इतनी देर में ऋषि मुनि खीर के प्रसाद को खाने के लिए आए कि चलो माँ को भोग लगा के भंडारा शुरू करते हैं ऋषि मुनियों ने जैसे खीर का प्रसाद उठाया उस छिपकली ने उसी वक्त जय माता की कहते हुए उस गर्म गर्म माताओं पिता दादा दादी जितने बैठे सबका सम्मान करो बड़ी बहन बैठी हो उसका भी ले लो चरणों में सिर को झुकाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा जो की अरदास कराएगा जाली आरती जय सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा
पहुंचे अमृत पूरे कामा पाती मजरे बेटे आरे जी जय मां रंग महल में रंग महल में रंग महल में रंग महल में आज आए चक्कर की पड़म रूपते रंग महल में यज्ञ से पूर्ण हो गया जिन हो रही जैसे तारे जिन ब्रह्मा के विष्णु के आते सारे और जिया में पुण्य दाते आज जिन्हें कूद कपूत हो तुम रखियो मेरी आज स्वामी जाती शाम की बसे जे के बीच जब जाओ दर्शन करो जब पटे आदर के साथ इन्हें विदा किया जाएगा। आइए हमारे आगामी प्रोग्राम रखेंगे हमारे अनिल जी पंचाल। एक मिनट Thank you.